उद्यमेनम ही सिद्धंति कार्यानी न मनोरथ है न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मूर्खे वीरगा। जब तक कर्म नहीं करोगे भाग्य साथ नहीं देगा, और जब कर्म करोगे तो ब्रह्मा तुम्हारा भाग्य बदल देंगे, लिख देंगे उनका स्वर्ण अक्षर से। तुम्हारा भाग्य अगर गड़बड़ लिखा है तो वह भी मिट जाएगा और आगे बढ़ने से कोई नहीं रोके। हम पहले यही स्टूडेंट भी रहे हैं। अच्छा, हम जब स्कूल मेरा यहाँ खुला है 2010 में, तब से लेके 8 तक हम यहाँ पढ़े हैं, और उसके बाद अभी हम स्कूल में पढ़ा रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, और इस आज़ादी को दिलाने के लिए हमारे देश के ना जाने कितने वीर सपूतों ने अपना बलिदान दिया। अभी हम बार्सलीगंज के पब्लिक स्कूल में हैं, और हमारे साथ देख सकते हैं इसी विद्यालय के कुछ बच्चे हैं और कुछ शिक्षक एवं शिक्षिका हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि स्वतंत्रता दिवस पर अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं, उनके अंदर ऐसा क्या जुनून देते हैं कि आगे चलकर ये बच्चे जो हैं देश का नाम रोशन करें। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। धन्यवाद। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, और इस आज़ादी को दिलाने के लिए देश के ना जाने सर कितने वीर सपूतों ने अपना बलिदान दिया, उनकी कुर्बानियों को जो है याद किया जाता है। बच्चे जो होते हैं देश के भविष्य होते हैं, और आपके विद्यालय में जितने भी बच्चे हैं उनके अंदर सर ऐसा क्या गूंज देते हैं और कैसे गूंज देते हैं कि बच्चे जो है आगे चलकर देश की सेवा करें और एक बेहतर प्लेटफॉर्म जो है हासिल करें। ऐसा बच्चों को स्वतंत्रता का मतलब समझाने का प्रयास करता हूँ, उसे अनुशासन में रहकर अपने पेरेंट्स, शिक्षकों एवं समाज के प्रबुद्ध लोगों के साथ उनका जो शिष्ट व्यवहार बनाने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ, और उसे हमेशा यह बनाने का एक सौम्य नागरिक बने ऐसा हमेशा प्रयत्न मेरा रहता है। जी, आपके विद्यालय में से जो बच्चे आते हैं वो किस क्लास से और किस क्लास तक रहते हैं? हमारे यहाँ प्री नर्सरी से क्लास 8वीं तक बच्चे पढ़ते हैं, और खूब जुनून के साथ। विद्यालय मेरा एक छोटा है, लेकिन हमारे जो शिक्षक हैं बहुत ही परिश्रमी हैं, लगनशील हैं, और हमारे शिक्षक समूह हमारे एक परिवार जैसा है, और हमारे बच्चे पुत्र समान काफ़ी मेहनत करते हैं। यहाँ से बहुत से विद्यार्थी अच्छे अच्छे ओहदे पर गए हैं। देखा जाए सर तो 5वीं क्लास के बाद जो है नवोदय और ये सैनिक स्कूल के लोग जो है एंट्रेंस का एग्ज़ाम देते हैं, उसमें जो है आपके विद्यालय के बच्चे गए हैं या नहीं? हमेशा पर 2-4 बच्चे अव्वल आते हैं, और प्रयास रहता है। कुछ बच्चे नवोदय में कंप्लीट करके भी नहीं गए हैं, यहाँ तक कि हमारे यहाँ से बिहार टॉप भी छात्र किए हैं। जी, जो बेस मैंने 8 में दिया, 10th में जाके बिहार टॉप किए हैं, वे यहीं के बच्चे हैं। देश के बच्चों, जो भी हमारे देश के बच्चे हैं, आपके विद्यालय के जो बच्चे हैं, उनके अंदर कहें तो एक जुनून पैदा होना चाहिए, तो उस जुनून को पैदा करने के लिए अपने बच्चों को सर क्या सिखाते हैं आप? हमेशा हम बच्चों को माध्यम उद्यमेनम ही सिद्धंति कार्यानी न मनोरथ है न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मूर्खे वीरगा। उद्यम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमा खड यत्र वर्तन्ते तस्र देव सहायिका। हम बच्चों को हमेशा सिखाते हैं कि तुम बुद्धि, मन, लगन, परिश्रम और साहस के साथ अगर कार्य करोगे तो देवता भी तुमको आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएंगे, वो भी तुम्हें सहायता। तो देख सकते हैं बहुत बड़ी बात जो है सर बोले हैं, और कुछ लोग जो होते हैं भाग के भरोसे भी बैठ जाते हैं, लेकिन उसका जो है आपने उत्तर दे दिया है। नहीं, ये तो मैं बता चुका हूँ कि जब तक कर्म नहीं करोगे भाग्य साथ नहीं देगा, और जब कर्म करोगे तो ब्रह्मा तुम्हारा भाग्य बदल देंगे, लिख देंगे उनका स्वर्ण अक्षर से। तुम्हारा भाग्य अगर गड़बड़ लिखा है तो वह भी मिट जाएगा और आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक। धन्यवाद। तो देख सकते हैं सर जो है बहुत बड़ी बात बोले हैं, और कहीं ना कहीं ये बताए हैं कि तू कर वही जो मैं चाहता हूं, और फिर वो होगा वही जो तू चाहता है। बाकी देख सकते हैं कुछ और शिक्षक हैं, इनसे भी हम कुछ जान लेते हैं। सर अपना परिचय बताएंगे आप। मेरा नाम रंजीव कुमार हुआ जी। मैं झौर गांव से निवासी हूं जी। इस स्कूल में लगभग 3 वर्ष से हम काम कर रहे हैं। 3 वर्ष यहां पढ़ा रहे हैं। हाँ, 3 वर्ष का सर आपका जो अनुभव है बच्चों के प्रति और अपने प्रति, उनके बारे में सर कुछ बताएंगे आप। हम जब से आए हैं और इसके पहले भी सुने थे कि यहाँ का बच्चा जो है बहुत ही अच्छे प्रोफेंस करते हैं, अच्छे कर्तव्य करके अच्छा अच्छा पोस्ट पर, विभाग पर नौकरी करते हैं, अच्छा अंक लाके राज्य, स्टेट या प्रखंड को नाम रोशन करते हैं, और आगे करते भी रहेंगे। जिस तरीका से हमारे बच्चे मेहनत करते हैं उस हिसाब से आगे करते भी रहेंगे। बाकी ज़्यादा समय नहीं लेंगे, देख सकते हैं कुछ और भी सर हैं और बाकी कुछ मैडम हैं, इनसे भी हम कुछ जान लेते हैं। अपना नाम बताएंगे मैम। मेरा इशिका पांडे नाम है। आप यहाँ पढ़ाती हैं?
हम पहले यही स्टूडेंट भी रहे हैं। अच्छा, हम जब स्कूल मेरा यहाँ खुला है 2010 में, तब से लेके 8 तक हम यहाँ पढ़े हैं और उसके बाद अभी हम स्कूल में पढ़ा भी रहे हैं। बहुत बड़ा ये मुकाम जो है आपने हासिल कर लिया, यहीं पढ़े और यहीं पढ़ा भी रहे हैं, तो कैसा अनुभव रहा पढ़ने के दौरान और पढ़ाने के दौरान, कैसा ये लगा? पढ़ने के दौरान तो बहुत अच्छा अनुभव रहा, उस टाइम हम बच्चे भी थे एक तरह से, लेकिन अभी भी हम बहुत सारे स्टूडेंट में देखते हैं कि मेरे इस स्कूल में जितने भी स्टूडेंट हैं, खास करके हॉस्टल के बच्चों को जो हम गौर से देख सकते हैं क्योंकि हम भी यहाँ रहते हैं, तो उस बच्चे में देखते हैं कि वो कभी भी पढ़ने के लिए उसको टीचर कभी फोर्स नहीं करते हैं, वो खुद सुबह उठ के, खुद 4 बजे सुबह उठ के हर बच्चा खुद पढ़ने के लिए बैठता है, यहाँ तक कि हर छोटा से बड़ा बच्चा सब में ये चीज़ देखे हैं। 15 अगस्त का दिन है और 15 अगस्त के दिन हम ये वीडियो आपके विद्यालय में बनाने के लिए आ रहे हैं। कहीं ना कहीं महिला जो महिला के प्रति लोगों का जो भावना होता है कि दयालु होते हैं, है ना, लेकिन 15 अगस्त के दिन आप बताएंगे थोड़ा सा कि झांसी की रानी एक महिला थी और महिला होकर जिस तरीके से अंग्रेज़ों से लोहा ली, जो है दुश्मनों का जो है ये उससे लड़े, तो महिला होकर जो उतना ये किए, तो उनके बारे में आपका क्या कहना? झांसी की रानी जो है वो हम लोग के लिए एक तरह से प्रेरणा है, इनफैक्ट सब वोमेन के लिए और दुनिया की जो जितनी भी वोमेन है, अगर वो घर पे काम करती है और फिर अगर वो बाहर भी काम करती है, एक वर्किंग वोमेन के बारे में कहा जाए तो जी जी। तो एक आदमी है जो भी है, तो वो बाहर का काम कर रहा है तो वो घर का काम का उसको पता नहीं होता है, लेकिन जी जी। जितनी भी अभी फीमेल होती है जो कि घर का भी काम करती है और बाहर का भी काम करती है, चाहे कि इनफैक्ट जो भी हम लोग टीचर ही हैं हम लोग, तो वो घर का भी काम करके स्कूल आते हैं और स्कूल में बच्चों लोग को भी वही शिक्षा देते हैं जो एक मेल टीचर देते हैं, समझे? तो इनफैक्ट अगर देखा जाए तो फीमेल लोग और भी ज्यादा, बहुत ही ज्यादा मेहनती होते हैं जो घर और बाहर दोनों को संभालते हैं एक साथ। बाकी देख सकते हैं बहुत सारे शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं, तमाम लोग हैं, ज्यादा समय अब नहीं लेंगे, लेकिन जिस तरीके से सर बताए हैं कि हमारे विद्यालय में जो है बच्चों को काफी जो है बेहतर शिक्षा दिया जाता है, बच्चे जो है आगे जाकर जो है और अपना जो है मुकाम को हासिल कर रहे हैं, तो दिल्ली पब्लिक स्कूल के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट में जरूर बताएंगे, और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो यहाँ हम वीडियो आकर जो बना रहे हैं, तो सर के बारे में और स्कूल के बारे में क्या आप सोचते हैं जरूर बताएंगे। सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।